तो दोस्तों, बिग बॉस के घर से फिर से हम एक ऐसा क्लिप लेके आ चुके हैं आप लोग के सामने जो कि आपने टीवी पे नहीं देखा होगा। यहाँ पे सहनाज और शेफाली बग्गा पंजाबी लैंग्वेज में मजे लेती हुई दिखती हैं, जहाँ पे सहनाज दुल्हन बनी होती हैं और शेफाली बग्गा उनकी पड़ोसन। आपको बताते चले दोस्तों कि सहनाज आती हैं पड़ोसन के घर में और फिर पंजाबी लैंग्वेज में पूछती हैं शेफाली बग्गा से, और बताओ क्या चल रहा है। इसके बाद शेफाली बग्गा बोलती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बताओ। इसके बाद सहनाज पूछती हैं, और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? फिर शेफाली बग्गा कहती हैं कि मैं अभी तक सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। फिर सहनाज कहती हैं कि शादी तो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। फिर शेफाली बग्गा पूछती हैं सहनाज से, क्या आपकी शादी हो गई? फिर सहनाज कहती हैं, नहीं, मेरी नहीं हुई है, लेकिन शादी बहुत ज़रूरी है और किसी एक के साथ लग के रहना मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद सहनाज कहती हैं कि लाइफ में थोड़ा सा चिल होना चाहिए, क्योंकि एक के साथ शादी कर लो फिर उसके साथ पूरा ज़िंदगी बिताओ, ऐसे में मज़ा नहीं आता। लाइफ में थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है और कांस्टेंट फ्लो में चलना मुझे पसंद नहीं है, लाइफ में थोड़ा सा फ्लिप मारना भी ज़रूरी है। उसके बाद सहनाज दुल्हन बनकर काफ़ी अच्छी लगती हैं और फिर सिद्धार्थ शुक्ला के मज़े लेती हुई दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सहनाज सिद्धार्थ शुक्ला को देख के बोलती हैं कि ये बंदा हमेशा ऐसे दुखी क्यों रहता है और उदास क्यों रहता है। इसके बाद शेफाली बग्गा इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताती हैं कि अरे, ये भाई साहब का मुंह ही ऐसा है और चेहरा ही ऐसा है कि हमेशा दुखी लगते हैं, और दूसरा कारण ये है कि इनका भाई जो है आसिम, वो जाके रश्मि से चिपका हुआ रहता है, इसके वजह से ये साहब ऐसे बैठे हुए रहते हैं। इस पे सहनाज काफ़ी ज़ोर से हंसती हैं और इसके बाद मज़े लेते हुए दिखती हैं। तो दोस्तों, आपको सहनाज दुल्हन के अवतार में कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वहीं सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाज़ार ताकि आपको बिग बॉस की रोज़ की अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।